तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल PUBG न्यू स्टेट ऑफिशियली ग्लोबली लॉन्च हुआ था। अब बहुत सारे लोगों ने खेला, हो सकता है आपने भी खेला हो, मैंने भी उसे खेला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बात की जाए। हाँ, हमें पता है कि गेम फर्स्ट टाइम में मतलब वैसा नहीं हुआ जैसी हमारी एक्सपेक्ट थी। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे गेम खराब है, हम नहीं खेलेंगे, तो मैं आप लोगों को कहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब PUBG मोबाइल आया था आज से 2-3 साल पहले, क्या ये गेम वास्तव में ऐसे ही था जैसे कि आज हम इसे देख रहे हैं? जी नहीं गाइस, इस गेम में भी बहुत सारी खामियां थीं और जो हमने टाइम के साथ धीरे धीरे एक्सेप्ट करी थी, मतलब कि कुछ चीज़ें सुधरी थीं और हमने जो भी था ये गेम उस हालत में इसको एक्सेप्ट किया था। अब रही बात गेम की, मुझे पता है देखो गेम के अंदर ना एनिमेशंस बहुत ज़्यादा, लाइक अगर प्रोन हो रहे हो आप, गन चेंज कर रहे हो, वो एनिमेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमें गेम बहुत ज़्यादा स्लो फील हो रहा है, ठीक है। तो अभी आई थिंक जब हम फीडबैक देंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, एंड वो टाइम दूर नहीं है कि जब PUBG न्यू स्टेट भाई पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा रहा होगा। अब फिलहाल देखो कल तो मैंने PUBG न्यू स्टेट खेला था, अब उसके बाद में आप लोगों को पता है अभी सर्वर वगैरह थोड़े से डाउन कर दिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट कर लिया। अब सर्वर वगैरह थोड़ा डाउन इसलिए करें, कुछ चीज़ें आप परचेस नहीं कर पा रहे उसमें, कुछ लोग आरपी नहीं ले पा रहे। जिसको कि हम लोग सर्वाइवर पास बोलते हैं, तो यही सब अभी थोड़ा सा कह सकते हो सर्वर मेंटेनेंस में चल रहे हैं, इसीलिए PUBG इनिशिएट आज तो मैं नहीं खेल पाया। इसीलिए गाइज आज आप ये गेम देख रहे हो। अब ये गेम भी ना मैंने 2-3 दिन पहले खेला था, बट ये गेम में क्या था मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता था। फिलहाल अब तक आपने देखा हम लोग नोवो कूदे, मैंने ऑलमोस्ट पूरी एक स्क्वाड को कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद में अभी भी यहाँ पर बंदे थे। फिलहाल अब मेरे लेफ्ट से एक बॉट आने वाला है, राइट में एक बंदा, और अब देखो अब बंदे के मुंह के आगे से मैंने ये बॉट का किल तो निकाल लिया अपना, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ देख के वो बंदा जितना गुस्से में होगा ना, मुझे पता है तुरंत रश करेगा, इसलिए फिलहाल वो बंदा सामने आया, मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड की पिन खींची, मुझे पता था वो वहीं गेंद टीपी पे ले रहा होगा। जैसे ही मैंने गेंद फेंका बट तभी बंदा अंदर घुस आया, और यहाँ टीममेट ने भाई उसको लपेट दिया। वेल अब आज इस मैच में आप पता है क्या देखने वाले हो, कि कभी कभी कुछ फाइट्स ऐसी होती हैं जो आपकी ईगो पे लग जाती है। ईगो पे कैसे बोलूँ, तो लाइक आप किसी से फाइट ले रहे हो लेकिन सामने वाला इतना ट्राई हार्ड देता है कि आपका बस एक ही मकसद रह जाता है कि भाई अब ना मुझे इसको मारना है, और मुझे ना अब इस पूरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। वेल हमारे साथ भी यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ आप ज़रा ध्यान से देखना। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, घरों की तरफ यहाँ आ रहे थे, तो पॉल ने मेरे को बताया कि अभी अभी उसने स्क्वाड हाउस में एक बंदे को देखा, तो मैं यहाँ पर स्पॉट करता हूँ, एंड तभी यहाँ पर मैं एक छोटी सी गलती कर देता हूँ, मुझे दिखता है एक बॉट। अब इस बॉट को मारने की वजह से हुआ क्या कि सामने वालों को पता चल गया कि हाँ भैया अब जो बंदे हैं वो यहां पर है, हो सकता है कि अब तक उनको ये बात ना पता हो। अब जैसे मैं यहां पर आया तभी देखिए सामने घर पे एक वॉल बनती है, और अब मैं ये कंप्लीटली समझ चुका था कि भाई इस बंदे को भी ये बात पता चल चुकी है और इसीलिए अब इधर की तरफ कवर ले रहा है। अब जैसे मैं यहां पे इस पे रश करने के लिए आगे बढ़ता हूं तभी देखो राइट से एक बंदा। अब सही बताऊं तो मेरे पास यहाँ एक ही ग्रेनेड था और मैंने सोचा कि वो तो मैं उस बंदे के मुंह पे मारूंगा, बट क्या करूं यार, ग्रेनेड ग्रेनेड पे लिखा है खाने वाले का नाम होता है ना एक, तो अब ये वाला ग्रेनेड मैंने इस बंदे के लिए फेंका, थोड़ा सा ओवरकुक हो गया जिसके चलते ग्रेनेड उसके सर में फटा, उसको थोड़ा बहुत डैमेज मिला होगा। अब जैसे ही मैंने इसको नॉक किया, अब मुझे पता था कि जो उसके टीममेट है ऊपर लेफ्ट में वो उसको जरूर कवर देंगे। मैं यहाँ पे क्राउच करते करते धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था, फाइनली मैं यहाँ पर आया। अब सबसे पहले मैंने इसको फिनिश दिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बस मुंह से बता रहा हूँ लेकिन वीडियो में नहीं दिखा रहा, लिटरली यहाँ पे कम से कम 4-5 मिनट लगे इन बंदों को मारने के लिए, हमने जितनी तिगड़म लगाई है। सबसे पहले बताऊँ तो हम लोग स्क्वाड हाउस हमने यहाँ ही, हमने यहाँ वॉल बना के सोचा स्क्वाड हाउस पर चढ़ जाएंगे, बट इसमें हम नाकाम रहे। इसके बाद मैं राइट वाले नीले घर पर गया, स्क्वाड हाउस पर भी गया, और फिर फाइनली मैं यहाँ पर आया। मतलब समझ रहे हो ये सारा सिनेरियो 4-5 मिनट तक ऐसे चलता रहा। अब जैसे मैं यहाँ पर आया मुझे अभी तक भी लग रहा था कि वो बंदे वहीं हैं, बट वास्तव में वहाँ थे ही नहीं, तो मैंने एक ग्रेनेड की पिन खींची और सोचा कि यहाँ वॉल के पास फेंकता हूँ, हो सकता है बंदा यहाँ प्रोन हो। तभी देखो राइट में क्या दिखता है मेरे को, अब मैंने यहाँ स्पॉट करने में थोड़ी सी देरी कर दी जिसके चलते वो बंदा निकल गया वहाँ पर, बट
फिलहाल कुछ बॉट्स आ चुके चलो भाई इस बॉट को तो दे दिया हमें क्रेजी कैसा बॉट का नाम था ये वेल अब यहां पर मैंने पॉल को बोला कि वो लेफ्ट में ही रहे मैं राइट में से एक रोटेशन दे रहा हूं लेकिन एक कमाल का सरप्राइज जो था जो हमें भी मिलना बाकी था अब वो क्या था खुद देखिए आप रोलर के पीछे जा रहा है अब वो बंदा यहां से रोल बना के कवर लेके मेरी तरफ बढ़ रहा था बट जैसे ही मैं यहां पर आया तभी एक सरप्राइज मिला भाई इनका भी दूसरा बंदा था अभी सरप्राइज देने के लिए मतलब कि अब ये दो बंदे अब यहां मैंने अपनी जान पे खेले इस बॉट को नॉक किया और इस बंदे ने जो मेरा किल चुराया ना लिटरली भाई साहब पहले तो मेरा बहुत ही खून जल गया इसी बात से अब दूसरी बात ये बंदे हमको मारने के लिए यहाँ बहुत देर से होल्ड करके बैठे थे पूरा ट्राई हार्ड दे रहे थे और यही बात मैं आप लोगों को स्टार्टिंग बता भी रहा था कि देखो आप लोगों के साथ पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं बट मेरे साथ ऐसा ज़रूर होता है कभी कभी ना मैं इस गेम को बड़े दिल पर ले जाता हूँ वेल अब ये बंदा देखो यहाँ आ चुका था धीरे धीरे थोड़ी देर बाद ये बंदा मुझे साउंड आया सामने से और मैं एक साथ डर गया मैंने क्या कर जल्दी से एक वॉल बनाई और इसको बोलते हैं एक जीवनदान मतलब बंदे ने तभी फायर दिया तभी मैंने वॉल बनाई तो यहाँ पर मैं बच गया अब इसके बाद मैंने पॉल को एक चीज़ बोली कि भाई पॉल देख सुन मेरी बात इन दोनों बंदों को मेरे को ही मारना है और देखते हैं क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक रोटेशन दिया पॉल वहीं पर रुका रहता है एंड इतनी देर में पॉल की उनसे फाइट हो जाती है और अब देखो जरा अब एक बंदे को मैंने नॉक फिनिश दे दिया बचा केवल एक बंदा अब ये बंदा मुझे पता था कि वॉल क्रॉस करके आ रहा है मैंने ऊपर शॉट दिए एक इसको हेड कनेक्ट हो गया अब इसके बाद में पॉल लॉक हो चुका था और जो बंदा था वो पॉल के पास ही था और यहाँ मेरे पास बैंडेज थी बैंडेज लगाने की वजह से मैं लेट हो जाता हूँ और जिसके चलते पॉल यहाँ पर ब्लीडर हो जाता है और वो फिनिश हो जाता है बट पॉल ने बस मेरे से यही कहा कि भाई इसको मार देना फाइनली मेरे को पता दिखा और फाइनली गाइस लिटरली भाई साहब इस कमाल की जीत के लिए ना पहले तो एक एक लाइक ठोकना भाई और जो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस अपना टारगेट है 2 मिलियन का तो भाई हिट दैट सब्सक्राइब बटन वेल गाइस अब इस मैच में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है लिटरली आप ना बहुत हंसोगे मेरे ऊपर ठीक है अब उससे पहले देखो होता ये है कि मेरे को जाना था जोन में बट मैं जैसे रोजॉक की हिल पे आया यहाँ ऑलरेडी फाइट चल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो फाइट में इन्वॉल्व होते अब जैसे मैं यहाँ पर एम लेता हूँ तभी मेरे को पीछे से एक यूएच का साउंड आता है अब एक चीज हमेशा याद रखना जब भी आपको बंदे देखें सबसे पहले कवर लो ताकि आप कुछ सोचने समझने को टाइम दे पाओ अब जैसे मैंने यहाँ पर एक कवर लिया कवर के बाद में एक बंदे का नॉक निकाला अब नॉक निकालने के बाद में मैं सोच रहा था कि उस वाले बंदे की तरफ वापस जाऊँ एंड तभी मैंने देखा कि जोन आ चुका है और मैं भी लेटूँ और मेरा एक नॉक पीछे की तरफ है तो मतलब मुझे अभी पीछे रश करना चाहिए तो मैं देखो यहाँ से बग्गी उठा के निकल पड़ता हूँ एंड जैसे मैंने लेफ्ट देखा मैं समझ गया वॉल बनाई है मतलब बंदा रिवाइव दे रहा है तो ये बहुत ही अच्छा मौका था मेरे लिए मैंने क्या करा तुरंत आया सीधा बग्गी यहाँ पर रोकी प्रोन हुआ एंड बूम बॉयज इन दोनों का भी भाई दिवाला निकल चुका है वेल गाइज अब यहाँ पर दो बंदे बचते हैं और ये मैच अभी भी दोस्त मतलब वैसे तो ये चला कम से कम 10 मिनट अभी भी ये मैच बट आपको मैं 2-3 मिनट में दिखाऊंगा ठीक है अब देखो हुआ क्या है यहाँ से मेरे को जोन में जाना था मैं जैसे ही यहाँ पर राइट मोड़ता हूँ तभी मेरे को मेरे राइट से बग्गी आती हुई दिखती है अब मैं इस रुक के इसको मारने की कोशिश करता हूँ बट होता क्या है इसका एक टीममेट आगे निकल जाता है मुझे पता था कि वो जरूर पीछे से मुझे मारेगा इसीलिए मैं फर्स्ट एड लगा के जल्दी से यहां से निकलने की सोचता हूं वेल मैंने देखा कि वो कोई फायर नहीं कर रहा है मैंने बग्गी उठाई जैसे निकलता हूं उसने मुझे मारने की कोशिश करी बट कोई डैमेज हुआ बट मैं जैसे यहां पर आया एक बग्गी वाला यहां पर अब लिटरली भाई ये दो बंदे ना 50 बंदों की तरह खेले होते हर जगह होते हैं ये बग्गी वाले अब जैसे इसको मारता हूँ पीछे से एक और बग्गी
मतलब उसका बंदा, मैंने एक चीज देखी इस डुओ में भाई, सपोर्ट बहुत ही तगड़ा था। अब यहाँ पर मेरे पास ना तो थ्रोबल्स है, ना ही फर्स्ट एड है, बैंडेज है सिर्फ 60, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे, और सामने था एक ड्रॉप, और ड्रॉप पे जैसे ही आए भैया ये बग्गी वाले यहाँ भी आ गए। अब यहाँ पर देखो, मैंने सोचा कि उतर के इस बग्गी वाले को मारूंगा, और जो दूसरा बग्गी वाला वो आया और पीछे चला गया। मुझे लगा कि वो पीछे चला गया, बट यहाँ पर देखना कि वो जो पीछे गया है बग्गी वाला, वो इस बंदे को अब कवर देने वाला है भाई साहब। तो यहाँ आज मामला आर पार का हो चुका था, और रिजल्ट क्या निकलने वाला वो एक बार जरूर देखना। ये देखा, एक तो मेरे पास अब हेल्थ का कोई भी सामान नहीं है, थ्रोबल्स के नाम पे सिर्फ 3 स्मोक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले बग्गी उठाई और आ गया इधर वाली हिल पे। अब जैसे हिल पे आया मैंने वो 3 बैंडेज लगाई, बचती है मेरे पास 4 बैंडेज। बैंडेज भाई यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये जो गेम है मेरे प्लस पॉइंट में भी रहेगा, और मेरे नुकसान मतलब मेरी तरफ हावी भी हो सकता है। वेल, अब मैंने यहाँ पर हिल पे देखा कि जो जोन है वो इधर का बन चुका है, और वो बंदे भी मेरे से पहले आ चुके हैं। अब दिक्कत देख रहे हो मेरे साथ में क्या है, यहाँ पर एक मेरे हेल्थ का सामान नहीं है, और दूसरी बात जोन भी उन्हीं बंदों का है, और वो बंदे मेरे पे रश ही नहीं कर रहे। फाइनली यहाँ पर मैंने उस बंदे को थोड़ा सा टैग किया। अब मैं सोचता हूँ कि देखो जोन की एज पे हूँ, दोबारा जोन बनेगा मेरे लिए दिक्कत होगी, और ये बंदों में मेरे को फिर से रश करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा राइट से एक रोटेशन देता हूँ, और फाइनली आ जाता हूँ यहाँ एकदम जोन के बीचों बीच। अब जैसे यहाँ पर आया, अब बैंडेज मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बस मैं टीपी भी ले रहा था, तभी भाई इनमें से एक बंदा, मैंने बताया ना ये बग्गी वाले बंदे भाई हर जगह हैं, ये दो ही बंदे पूरे मैप में, पता नहीं 2 ही 50 की तरह खेल रहे थे भाई। और लिटरली यहाँ पर ये मैं सही बताऊँ तो मैच में निकाल सकता था, अगर काश मेरे पास थ्रोबॉल और फर्स्ट एड होती तो लिटरली गाइज आज आपको एक डिलीशियस चिकन तो जरूर देखने को मिलता। वेल गाइज, तुम्हें ये गेम कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब अच्छा लगा है तो पहले तो एक एक लाइक जरूर ठोक देना यार, मतलब हिट दैट लाइक बटन, अगर नहीं ठोका तो जरूर ठोकना। कोई भी चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और गाइज इसके अलावा अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करके रखा है तो वह कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको कभी कभी जरूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि अब मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा उसका रीज़न भी आपको इंस्टाग्राम पे ही बता दूंगा। तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ पे आके जरूर फॉलो कर लेना। बाकी गाइज मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स वॉचिंग गाइज, बाय बाय।